तेलंगाना में पीएम मोदी ने किया सिलकारा सुरंग में फंसे श्रमिकों का जिक्र, कहा प्रार्थना में उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को भी दे चुका। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा वंचित वर्ग की न्याय आवश्यकताओं को बढ़ाना जरूरी, उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल साउथ के देशों को दी नसीहत। असदुद्दीन ओवैसी के डर से सीएम के चंद्रशेखर राव ने दिया 4% आरक्षण, हम 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, तेलंगाना में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर को तोड़ने की कोशिश में जुटी कई ताकतें, सीएम वीरेंद्र सिंह का लोगों से एकजुट होने का आह्वान, मणिपुर में भड़के हिंसा में अब तक 180 की मौत। वर्टिकल ड्रिलिंग का 40% काम पूरा, मलबा साफ करने में जुटे रेड हॉल माइनिंग एक्सपर्ट्स, वर्टिकल ड्रिलिंग पूरा होने के बाद 41 मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। रोशनी से जगमगाई जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, जनरेटर पर निर्भर थे लोग। राहुल गांधी को तंग कर रहा होगा अकेलापन, कांग्रेस सांसद के यार वाले बयान पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज, आप अकेले हैं और 50 साल के हो गए हैं। अवैध रूप से जम्मू पहुंची 6 बांग्लादेशी महिलाएं, कश्मीर जाने के फिराक में थी, पुलिस ने हिरासत में लिया। सिद्धारमैया सरकार को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, तेलंगाना में छपवाए थे कर्नाटक सरकार के विज्ञापन, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। सिर्फ पीएम मोदी से नफरत करते हैं टीएमसी नेता, शांतनु सेन के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रधानमंत्री को मिला 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद। बोरे में मिली थी लड़की की लाश, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, मंगेतर ही बन गया हत्यारा। निजर हत्याकांड की जांच पर भारतीय उच्चायुक्त बोले पन्नू मामले में अमेरिका ने साझा की जानकारी लेकिन कनाडा ने नहीं साझा की जरूरी जानकारी। सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव कार्य में टेंशन बढ़ा सकती है कमजोर चट्टाने, रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने किए दावे। बारिश बढ़ाएगी ठंड, दिल्ली एनसीआर से महाराष्ट्र अकबर सिंह, बादल, मौसम विभाग ने दी थी चेतावनी। कैसे बना सकते हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क, सीएम केसीआर ने किया वादा, तो बोले कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, विपक्षी गठबंधन पर विजय शिवहरे ने साधा निशाना। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर से घंटा किया चोरी, चोरों ने खंडित किया शिवलिंग, चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुट गई है। मऊ में झोपड़ी में लगी आग, महिला की चलकर हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिए। बुलंदशहर में लाउड स्पीकर के खिलाफ चलाया गया अभियान, 9 धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर, दिबाई क्षेत्र में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। श्रावस्ती में उत्तराखंड टनल हादसे का मामला, टनल में फंसे श्रावस्ती के 6 मजदूर अपने इंतजार में परेशान हैं।
यूपी में बदला मौसम, तीन साल के बाद सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, लखनऊ की हवा भी नारंगी श्रेणी में खराब बनी हुई है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मामला, शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी पहुंचे अखिलेश यादव के आवास, अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे अभ्यर्थी। लखनऊ में विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन, नवीनीकरण के बाद सपा कार्यालय का उद्घाटन, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, अखिलेश यादव भी मौके पर मौजूद। कानपुर में एमबीबीएस छात्र की मौत का मामला, रामा मेडिकल कॉलेज में दोबारा जांच करने पहुंची फॉरेंसिक टीम, घटनास्थल का पुलिस और फॉरेंसिक टीम में दोबारा की जांच। लखनऊ में शीतकालीन सत्र का आगाज, चार दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र, दिवंगत नेता को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए कार चालक, लग्जरी गाड़ियों के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल से वीडियो बना रहे, हिंदू युवा वाहिनी के झंडे लिए सड़कों पर हुदर के साथ फर्राटा भर रहे हैं। लखनऊ में सपा विधायक मंडल दल की बैठक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक, सत्र में सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा की गई। आगरा में बटेश्वर लोक मेला और कार्तिक पूर्णिमा, बटेश्वर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पुलिस प्रशासन ने तैयारी, व्यवस्थाएं के दुरुस्त। औरैया में तेज रफ्तार का दिखा कहर, दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन, अनुपूरक बजट सहित अन्य प्रस्ताव पारित, मंत्री के कामकाज का भी प्रस्तुतीकरण। यूपी में दो दिन कोहरे का अलर्ट, अलीगढ़ में पूरी रात बारिश 12 डिग्री सेल्सियस के साथ, अयोध्या कानपुर सबसे ठंडे, अयोध्या और कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडे शहर रहे हैं। संविधान मेरा स्वाभिमान मुख्य अतिथि के रूप में नकुल दुबे रहे मौजूद, नकुल दुबे ने भाजपा पर साधा निशान। फतेहपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों, मुर्दों का नहीं किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा। बसपा नेता पर कसा शिकंजा, पहले आलिशान होटल पर गरजा था बाबा का बुलडोजर, अब दी 10.30 करोड़ की चोट। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने बुरके में किया कैटवॉक, विरोध में जमीयत उलमा जताई नाराजगी। घर की ड्योढ़ी से बाबा की चौखट तक जले दीप, चेत सिंह घाट पर लेजर तो गंगा पार क्रैकर शो का अद्भुत नजारा। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का और समय, जिला जज की अदालत ने सील मजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। नमोघाट से 80 घाट की सजावट और आतिशबाजी पर 5 करोड़ खर्च, 8 लाख से ज्यादा सैलानी बने साक्षी। डरा रही बीमारी फिर भी अधूरी है तैयारी, कहीं ऑक्सीजन प्लांट बंद तो कहीं वेंटिलेटर ही नहीं, लेडी लॉयल में एक वेंटिलेटर आया है। यूपी विधानमंडल सत्र में सपा विधायक ने नई नियमावली का किया है विरोध, कुर्ते पर नारे लिख उठाए सवाल। पांच डिग्री लुढ़का दिन का पारा, अगले 72 घंटों में और बढ़ सकती है ठंड, कल बूंदाबांदी की संभावना है।
काशी के कोतवाल के इलाके में चोर उचक्खू का आतंक नहीं चल पाता, पुलिस का वश। घर छोड़ने के बहाने युवती की असमत लूटी, विरोध करने पर मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घने कोहरे के पहले दिन सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई बस, पीछे से कार भी भिड़ी, 40 यात्री घायल। सीएम धामी ने सुरंग में पहुंचकर लिया बचाव अभियान का जायजा, बौखनाग मंदिर में की पूजा, पाइप में गए श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद नए इलेक्शन में दिखेगी भाजपा, माहौल बनाएगी पार्टी, पार्टी को केवल प्रमुख कार्यक्रमों पर फोकस करने के निर्देश हैं। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, बद्रीनाथ में बर्फबारी, निचले इलाकों में छाया कोहरा। सेना की मदद से रेट माइनस ने शुरू की खुदाई, 1 मीटर और आगे बढ़ा पाइप, ऑगर मशीन के फेल होने के बाद हाथ से खुदाई कराने का फैसला किया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग में आसान नहीं लोहे के गॉटर को भेदना, अधिकारियों ने बताई बड़ी चुनौती, सिलगारा सुरंग में जहां भूस्खलन हुआ बस वही एकमात्र हिस्सा था। शीतकाल में थाम के स्वर्ण मंडित गर्भगृह की सुरक्षा, 12 जवानों के भरोसे दे रहे 12-12 घंटे की ड्यूटी, इस बार भी अभी तक आईटीबीपी भी धाम में तैनात नहीं हो पाई। बचाव अभियान जारी, सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए मैनुअल खुदाई शुरू, हर बार कोई ना कोई बाधा आने से सफलता नहीं मिल रही है। अग्निवीर बनने को दिखा उत्साह, भर्ती रैली में दूसरे दिन 1030 युवाओं ने दिखाया दमखम, युवाओं के फिजिकल और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच की गई है। जीएसटी चोरी के खिलाफ चला अभियान, देहरादून डिवीजन में 1.50 करोड़ की वसूली, सचल दल इकाई ने आने वाली माल की चेकिंग की है। टिहरी में दर्दनाक हादसा, दुबड़ गांव के पास बाइक खाई में गिरी, पिता पुत्र की मौत, हादसे की सूचना मिलते ही मरोड़ा गांव में कोहरा मच गया। जोशीमठ भूत हसा में 6 जगह पर होगा जियो टेक्निकल सर्वे, 45 मीटर ड्रिल के बाद भी नहीं मिली हार्ड रॉक, भूत हसाव प्रभावित क्षेत्र में बीते 13 नवंबर से फुगरो कंपनी सर्वे कर रही है। रोबोटिक्स सिस्टम से पता चलेगी श्रमिकों की मनोस्थिति, लखनऊ से पहुंचे वैज्ञानिक, इस रोबोट में वायर और वायरलेस दोनों सिस्टम है। अक्टूबर में 3 बड़े सड़क हादसों में 20 लोगों की मौत, एसटीसी फाउंडेशन ने जारी की 13वीं रिपोर्ट, पहला झटका दोपहर 2:25 पर महसूस किया गया है। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट, सिलक्यारा सुरंग में फंसे जिंदगियों पर खतरा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिया से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। इजराइल हमास 2 दिनों के युद्ध विराम के लिए राजी, 20 बंधक होंगे रिहा, बाइडेन ने की 2-स्टेट सॉल्यूशन की वकालत। सुबह सुबह 3 देशों में भूकंप, पाकिस्तान, चीन और पापुआ न्यू गिनी में सहमे लोग, धरती के नीचे काफी चीजें तरल पदार्थ में पाई जाती हैं। हमास बंधक बच्ची की रिहाई पर आयरलैंड के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर फूटा नेटिजंस का गुस्सा, इजराइल में राजदूत तलब।
इजराइल हमास युद्ध विराम को लेकर कतर का बड़ा ऐलान, दो दिन बढ़ी समय सीमा युद्ध में 15,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करके बोले फिलिस्तीन क्षेत्रों को कट्टरपंथ से मुक्त कराना महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस के पूर्व चिकित्सक का दावा, जो बाइडेन की तबीयत ज्यादा खराब, अमेरिका पर गहरा रहा संकट। ब्रिटेन में बजे खतरे के घंटे, इंसान में मिला सुअरों में पाए जाने वाला वायरस, इन्फेक्शन के सोर्स नहीं मिली जानकारी। शादी की पार्टी में अंधाधुन गोलियां चलाने लगा दूल्हा, दुल्हन समेत चार लोगों को भुनने के बाद खुद को मारी गोली। नई मुसीबत में घिरे किम जोंग उन, उत्तर कोरिया में तेजी से गंजे हो रहे लोग, दक्षिण कोरिया में भी बड़े पैमाने पर लोग बाल झड़ने की समस्या से जूझते दिखे। अमेरिका के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत से खालिस्तानियों ने की है बस सलूके, नजर के लिए भी नारेबाजी। राज कपूर के बंगले की जगह बन रहा है लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। शेयर बाजार की दमदार ओपनिंग, सेंसेक्स 66,000 के ऊपर खुला है, निफ्टी 19,850 के पास पहुंचा। यूरोप में डीजल की किल्लत का भारत का हो रहा है फायदा, तेजी से बढ़ा देश से निर्यात, रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार है भारत। दिल्ली एयरपोर्ट के यात्रियों को खुशखबरी, एआई के जरिए हवाई यात्रियों को मिलेंगे एडवांस सिस्टम और बेहतर फैसिलिटी। आखिरकार गौतम सिंघानिया ने थोड़ी चुप्पी, रेमंड ग्रुप के बोर्ड और कर्मचारियों को लिखा भाव की मेल। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन ने दिया चीन को झटका, 1.6 अरब डॉलर करेगी भारत में निवेश, कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। महंगा सोना बिगाड़ेगा मूड, 6 महीने की हाई पर भी पहुंचा सोने का भाव, भारत में गुरु नानक जयंती होने के कारण सराफा बाजार बंद रहा। सिलगारा सुरंग पर अडानी समूह का बयान, कहा कंपनी की कोई भी सब्सिडियरी निर्माण में नहीं है शामिल। अमीरों से देश में शादी करने की पीएम मोदी के अपील से ट्रेडर्स खुश, बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। ४७% चढ़ा मामार्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का स्टॉक, कंपनी के कर्मचारी तेजी को भुनाने की तैयारी में। वर्ल्ड कप के 10 दिन बाद भी फाइनल में विराट कोहली का विकेट नहीं भूल पा रहे हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि विराट कोहली के विकेट के बाद हम लोग हडल में गए थे। हारिस रऊफ को आसानी से नहीं मिलेगा बिग बैश लीग खेलने का मौका, एनओसी देने में नाटक करेगा पीसीबी, हारिस रऊफ बीबीएल में मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेलते हैं। टी20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनेंगे सूर्य कुमार, महज कुछ रन दूर हैं ये खास मुकाम, टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर है सूर्या। ४८ बरस के जैक कलिश ने तेज गेंदबाज को जड़ा शानदार छक्का, फैंस रह गए हैरान, वीडियो वायरल।
अपनी फैमिली संग सुरेश रैना ने सेलिब्रेट किया बर्थडे। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। सुरेश रैना ने 18 टेस्ट मैचों में 26.48 की एवरेज से 768 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या का आया पहला रिएक्शन। बोले, ना भूल पाने वाले सफर के लिए धन्यवाद। इतनी शानदार टीम की कमान संभालने के लिए पर्याप्त शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। गुजरात टाइटंस का कप्तान बनने पर शुभमन गिल ने दी खास प्रतिक्रिया। इटली ने 47 साल बाद डेविस कप जीता। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। भारत 3 बार रनर अप रहा। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स के फाइनल में हारी। चौथा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल खेल रही थी। वर्ल्ड नंबर 1 लियांग वांग की चीनी जोड़ी चैंपियन बनी। चरखी दादरी में अपनी पुश्तैनी घर पहुंची गीता फोगाट। पुरानी किचन बेडरूम और आंगन दिखाया। बोली, यहां बहुत सारी यादें जुड़ी। आलिया भट्ट के डीफे का शिकार होने के बाद रश्मिका मंदाना ने किया रिएक्ट। बताया डरावना एनिमल एक्ट्रेस ने लड़कियों से भी की है अपील। अंकिता लोखंडे के अब पति विक्की चैन को दी घर छोड़ने की धमकी। अंकिता ने विक्की चैन को समर्थन से दूर रहने के लिए कहा। टाइगर 3 ने तोड़ा ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 450 करोड़ के करीब पहुंचे सलमान खान की फिल्म। फेमस फैशन डिजाइनर रोहित बाल की बिगड़ी तबीयत। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं जंग। एमी अवार्ड लेकर जा रहे हैं वीर दास को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने रोका। बोले, बैग में ये मूर्ति क्या है, दिखाओ। वीर ने कहा, ये मेरी टीम और नेटफ्लिक्स के लिए है। झलक दिखला जा 11 की कास्ट एंड क्रू के लिए दीपिका कक्कड़ ने बनाई 18 से 20 किलो बिरयानी। शोएब को सपोर्ट करने के लिए बेटे संग पहुंची एक्ट्रेस। पार्टियों में जाकर बड़े स्लिप्स के साथ पोज देकर 20 से 30 लाख कमाते हैं ओरी। खुद किया खुलासा। ओरी ने पहले शो में वाइल्ड कार्ड तौर पर एंट्री ली थी। खतरों के खिलाड़ी के बाद छोटे पर्दे के शो चांद चलने लगा। में होगी शुजान खान की एंट्री। मेल लीड में मचाएंगे धमाल। रानी और काजोल ने किया करण जौहर के नाक में दम। दोनों बहनों से परेशान होकर चीख पड़े शो के होस्ट। आईएस मना चाहती थी यामी गौतम। बोली, सवाल पूछने पर शो से निकाली गई थी। दो ऑडिशन के बाद विक्की डोनर में मिला था रोल। शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र